अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ग्रीश। मेरी कुछ बहुत तबियत खराब थी, डॉक्टर ने और मेरा बड़ा फर्क कर दिया। इन लोग को शर्म भी नहीं आती, मासूम जानवर को भी नहीं सोचते। तो खराब कर दी डॉक्टर ने, कह रहे ऑपरेशन होगा, फिलहाल अपना ऑपरेशन होगा। मेरे नाक पे चोट लगी थी, अब मैं बेहतर हूँ अल्लाह का शुक्र। पापा का डॉक्टर कहते हैं ऐसे बनाने के लिए कहते हैं ऑपरेशन होगा। अब मैं तो वाई की बहुत ही बदमाश हूँ, सबको तंग करता रहता हूँ। और मैं लेकी मेरी आँखों में देखी तकलीफ हो रही है, और मैं मम्मा से दूध पी रहा हूँ। ये रेस्क्यू वाले और डॉक्टर भी अच्छा काम नहीं करते, हमारे इलाज नहीं करते, सिर्फ पैसे मांगते हैं। एडमिट कर लो, कभी पैसे के बगैर भी तो काम कर दिया करें। मैं मदर हूँ चिपकी इन बच्चों की। हाँ तो मैं सो रही हूँ अभी, मुर्गी खा खा के। और टेंशन थी हमारे घर में, मैं मोनिका की बेटी, मैं भी आ गई हूँ। मोना, मोना नाम है मेरा, मोनिका मामा की बेटी थी मैं। मोना, मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, जैसे इलाज भी नहीं किया मेरा। और इस वाले बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, अल्लाह का शुक्र अब ठीक है। अब शुक्र है घर में आ गया है, हमें सुकून हो गया है। हम लोग बहुत टेंशन में थे। रेश नाम है इसका, और इसका ब्लैकी वाइटी और ये गोली। इसके नाक से बहुत चिपकी के बच्चे हैं, इसके नाक से ब्लीडिंग हो रही बहुत शदीद। अब अल्लाह का शुक्र सही है, और तब दूध भी पी रहा है, थोड़ा खेल भी रहा, और मुझे काट भी रहा है। आओ आओ आओ, मुझे उंगली में काट रहा है। मैं हवा खाता पीता रहता हूँ, इसे सेहतमंद रहता हूँ। और मैं गोली सब सब बेड है हमारा, हम छोटे हैं मजे से। मेरी मम्मा गई हुई बाहर, बाहर गई है मेरी मम्मा। लेकिन मैं देखा पेट कैसे कर दिया रेस्क्यू वाला ने, मैंने बदतमीजी, झूठे लोग ऐसे बोलते, डॉक्टर हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं बस। चिपकी मेरी न्यू मम्मा बन गई, कितनी अच्छी बात है। इसकी अम्मी जान जो है, जो अनाथी बिल्ली हमारी, उसने छोड़ दिया इसको, और इसको चिपकी ने पाला है। चिपकी ने इसको अडॉप्ट कर लिया बच्चा, इस बच्चे ये चिपकी का बेटा है, अपना बेटा बना लिया। ये तो इसका रियल बेटा है, और उसने पाला हुआ। देखे जानवर के अंदर इंसानियत है। देखिए इसका पेट थोड़ा सा फूल गया है, इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही बेचारे को। और मैं मोनिका की बेटी, मैं भी चिपकी खाला के पास आ गई कि मुझे पाल लें, मुझे भी अडॉप्ट कर लें। हमारे घर में मोनिका की फैमिली रहती है पूरी दिल्ली में। ये चिपकू मीटर नाम है चिपकी, ये चॉकलेशियस और चंपू दीदी की ये बहन है। में बच्चे मारते हैं इन लोगों के साथ, पता नहीं क्या मसला है वो आँखों में। ये लोग आपस में भी लड़ते हैं बिल्लियाँ, तो इनका आँखों में मसला है कोई, जो पंजे मारते ना ये लोग, बच्चे को स्क्रैच फीवर भी हो जाता है, और इस तरह मर भी जाते हैं। और ये मुझे मुस्तकिल काट, यहाँ पे अगर डॉक्टर के पास ले जाओ तो पहले हंसते हैं, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ के डॉक्टर्स हंसते क्यों हैं। 1500, 2000, 3000 और 2500 का बिल बना देते हैं, और टैक्सी वाले भी, और टैक्सी वाले ना बनता नहीं है। ओहो, ये बंदा शुरू हो गया, ये बहुत बदतमीज है मोनिका की, जंगली वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड कैट है ये। बाहर अंदर गली की बिल्ली है, बिल्कुल भी इसको मैनर्स नहीं है। फिर इसको मैं छोटे से थप्पड़ लगाती हूँ, ये वैसे ही बीमार है, इसको मारे जाए। ये लोग मिल्क पैक पी रहे हैं फिलहाल, और कुछ नहीं खा रहे, चिकन दिया तो नहीं खा रहे हैं, मिल्क पैक पी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है, भनास को दम किया बहुत है। अल्लाह कलाम पढ़ पढ़ के, अल्लाह कलाम पढ़ा है, मैंने दम किया तो माशाल्लाह से अब चलने फिरने लग गया, भूख लगती है। लेकिन उसके चेहरे में देखे कितनी मायूसी है, इंसान परेशान, छोटा मासूम बच्चा है। मैं यही कहूँगी सबको,
स्पेशली रेस्क्यू वालों को और डॉक्टर्स को सिंसियर बने। कम से कम जानवरों पर तो रहम खाए ना, इंसानों पे नहीं खाते नहीं होता। तो लेकिन जानवरों पर तो रहम करें, इस नन्हे से बच्चे के ऊपर तो रहम करें। आप दूसरों पर रहम करेंगे, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। सब जानवरों के ऊपर और सारे इंसानों के ऊपर रहम करें। इस बिल्ली से सबक हासिल करें चिपकी से, जैसे बच्चा अडॉप्ट किया हुआ पाल रही है अपना बच्चा समझ के। हम लोग बिल्लियों के साथ रहते हैं इसलिए वीडियोस नहीं बना सके, बिल्ली का मसरूफ रहते थक जाते हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं। और ये हमारी बिल्लियों का रूम है, हम बिल्लियों के साथ ज़्यादातर रहते हैं तो इसलिए वीडियो भी यहीं बनाते हैं। हम अपने रूम में वीडियो नहीं बनाते, ये बिल्लियों को रूम दिया हुआ है हमने। हमने अपना कुछ सामान भी ला के यहाँ पर रखा है तो हम बिल्लियों के साथ रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम यहीं वीडियो बनाते हैं। अल्लाह का शुक्र अब चल फिर रहा है। बस ये है कि थोड़ा सर झुका झुका के बैठता है ये, अल्लाह शुक्र खैर खैर से वापस आ गया। जब मैं रात को इंतज़ार कर रही थी, इसी बच्चे का इंतज़ार कर रही थी, वेट कर रही थी, शुक्र घर आ गया। ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन करेंगे। इतने से बच्चे कौन सा ऑपरेशन होता है, उसका तो नाक का मसला था। नाक में चोट लगी थी, पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं था। हाथ में इसका थोड़ा सा फ्रैक्चर है, वो सही हो गया, हो जाएगा। बस ये सर झुका कर बैठता जब से वहाँ से आया है। मैं यही कहूँगी ऐसी कंडीशन तो ना करें ना बिल्लियों को, रैम खाए जैसे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर। इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं इसको दुआएं पढ़ पढ़ के दम कर रही हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। हम लोग केयर भी करते हैं, आज कुछ बेहतर है, आज चल फिर भी रहा है, आज थोड़ा सा खेला भी है इसने। इसको मैं बार बार दूध देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, जो भी इसको पोछना हो, मुँह साफ करना सब करती हूँ जो मेरे अख्तियार में। मैं वही बात कहूँगी, और इसकी मॉम चिपकी भी करती है। हाँ, ये इनकी चाटती है, बिल्लियों को, बिल्लियों की हैबिट होती है चाटना। मैं ये कहूँगी कि ऐसे बच्चों पर रहम करना सीखें, और वही बात कहती हूँ सारे इंसानों का, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हमें और इन सब जानवरों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आप दूसरों पर रहम करेंगे, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। इस नन्ही से जान पर रहम कीजिए, दूसरों की मजबूरी और दूसरों की मजबूरियों को समझिए। कभी पैसों के बगैर भी काम कर दिया करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़।